अकेले बस्ती में 12,862 गरीबों को शहरी आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 4,224 पटरी व्यवसायियों को प्रदेश के अंदर, जहां हमने 9,00,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया, वहीं 4,224 स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। बस्ती में 14,665 निराश्रित महिलाओं को, 9,874 दिव्यांगजनों को, 12,678 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, 1,97,543 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी यहां पर दिए गए और मुंडेरवा, नगर बाजार, गायघाट, गणेशपुर, कप्तानगंज, बनकटी, ये नगर पंचायतों का सृजन भी ये डबल इंजन की सरकार की देन है। हरैया और बगनान का हमने विस्तार भी किया। हर घर नल योजना के लिए पैसा स्वीकृत किया और भाइयों बहनों, काना और वन के लिए 8 नगर निकायों में गौशाला का निर्माण, 3 नगर निकायों में अंत्येष्ट स्थलों के निर्माण के लिए और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी धनराशि स्वीकृत की गई। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, उस पैसे का उचित नियोजन हो, उस पैसे का सही रूप से उपयोग हो, इसके लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है आपसे कहने के लिए कि पैसे का सही सदुपयोग केवल और केवल डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और जितना पैसा नगरीय विकास के लिए लगना चाहिए, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए लगना चाहिए, क्यों नगर जल जमाव से युक्त होंगे, जल जमाव से मुक्ति मिलनी चाहिए, हर घर नल की योजना से जुड़ना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होना चाहिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन नगरीय क्षेत्र में मिलनी चाहिए। इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के साथ ये ट्रिपल इंजन भी विकास का जोड़िए, बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करिए, यही अपील करने के लिए आज मैं बस्ती में आया हूं।